पंजाब में कोरोना वैक्सीन की कमी होने लगी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान में 85 से 90 हजार लोगों को एक दिन में टीकाकरण हो रहा है। इस हिसाब से केवल 5 दिन की कोविड वैक्सीन खुराक बची है। यदि राज्य को एक दिन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का अपना लक्ष्य पूरा करना है तो स्टॉक केवल 3 दिन ही चलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया है कि राज्यों के लिए वैक्सीन की फ्रेश सप्लाई जारी की जाए। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस शासित राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि धीमी शुरुआत के बावजूद पंजाब में अब तक 16 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में हर रोज 85 से 90 हजार तक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। कोरोना के टीकाकरण की मुहिम में पंजाब राष्ट्रीय औसत से पिछड़ गया है। राज्य में अभी तक केंद्र द्वारा दी गई कोरोना की 67% खुराकें ही प्रयोग हो पाए हैं। केंद्र ने पंजाब को 22,36,770 खुराकें दी थी, जिसमें से अब तक 14,94,663 ही प्रयोग हो पाई हैं। प्रयोग की गई खुराकों में खराब हुई वैक्सीन भी शामिल है। केंद्र ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर धीमे टीकाकरण कार्य पर चिंता जताई थी। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए थे कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करना होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने पर बल देने के लिए कहा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 2 लाख लोगों का टीकाकरण करने का टारगेट दे दिया था। अब पंजाब में एक मरीज के संपर्क में आए 30 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही राज्य में 50 हजार लोगों के टेस्ट भी हर रोज अनिवार्य कर दिए गए हैं।